हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौहान आपका स्वागत करता हूँ यूट्यूब के आर गाइड चैनल में। इस चैनल के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप हिंदी में आपको फ्री में एक्सेल की कंप्लीट ट्रेनिंग दी जाएगी। तो चलिए हम जानने की कोशिश करेंगे कि लास्ट वीडियो में हमने क्या सीखा था। ये मेरा सेकंड वीडियो है। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि क्या एक्सेल क्या है, हम उसका कैसे यूज करते हैं, क्या क्या यूज करते हैं, और कैसे हमें फोल्डर क्रिएट करना है, फाइल कैसे क्रिएट करनी है, सेव करनी है फोल्डर में, ऐसे ही क्या सेल है, वैल्यू कॉलम एंड रो क्या है, और कैसे हमें कॉलम रो में वैल्यू इंसर्ट करानी है, कैसे हमें उस वैल्यू को एडिट करना है, डिलीट करना है। इसी प्रकार हमने सीखा था कि जो शीट होती है उसे हम कैसे ऐड करते हैं, उसे हम कैसे डिलीट करते हैं और रीनेम करते हैं। तो चलिए आज हम जानेंगे कि जो शीट होती है हमारी उसे हम कैसे कलर कैसे कर पाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक यहाँ से शुरू करेंगे कि चलिए ये जो जैसे हमारी शीट वन है, अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे राइट क्लिक किया मैंने और ये ऑप्शंस आ गए हमारे पास में, जैसे डिलीट का, रीनेम का, हम यहाँ से शीट डिलीट कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं। तो चलिए आइए हम यहाँ से रीनेम करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे डाला नेम दिया, तो जब रीनेम करेंगे तो आपको नेम देना जरूरी है। जैसे आपने यहाँ पे शीट टू पर क्लिक किया और टू पर क्लिक करके यहाँ पे मैंने नेम डाला है ना, और शीट थ्री पर जा करके भी मैंने इस पे इसे रीनेम किया। और मैंने यहाँ पे तीनों शीट के देखिए मैंने नेम चेंज कर दिए। हाँ, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से मैं इनका कलर भी चेंज कर सकता हूँ इजीली। जैसे मैंने यहाँ पे राइट क्लिक फिर से किया और ये कलर टैब पर गया और मैंने यहाँ पे कलर चूज करके ये डाल दिया। फिर मैं अगेन राइट क्लिक करके कलर टैब पर गया और फिर मैंने कलर चूज कर लिया। इसी तरीके से हमारे पास जितनी भी शीट्स होंगी हम उनका नेम चेंज कर सकते हैं ईजिली और उनका कलर भी चेंज कर सकते हैं ईजिली। वो जैसे कि अगर हमें फाइंड आउट करना है ईजिली तो हम उसका कलर चेंज कर पाते हैं, अगर हमें अच्छा लगता है कि ये कलर इस शीट पर होना चाहिए अकॉर्डिंगली तो हम वो ईजिली उसे कर सकते हैं। अच्छा, इसका बेनिफिट क्या होगा हमारे पास में, जैसे नंबर ऑफ शीट्स हैं एक फाइल में, अगर सपोज हमारे पास नंबर ऑफ शीट 10 नंबर ऑफ शीट्स हैं एक फाइल में, तो हमें इसका क्या फ़ायदा होगा। सबसे पहले इसका ये बेनिफिट होगा कि अगर सपोज मुझे मैंने अपना एक लैपटॉप खोला और मुझे सेल डेटा चाहिए, तो अब जब मुझे सेल डेटा चाहिए तो मैं एम्प्लॉय डेटा में और अटेंडेंस डेटा में सेल डेटा को नहीं सर्च करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे नेम दे रखा है और उससे रिलेटेड डेटा उसी शीट में मैंने डाल रखा है। तो मैं डायरेक्टली आऊँगा और डायरेक्टली इस फाइल को ओपन करूँगा और सेल डेटा पर जाऊँगा, वहाँ पर मैं अपना डेटा ईजिली फाइंड आउट कर पाऊँगा, मुझे ईजिली वो डेटा मिल जाएगा। इससे क्या होगा, मेरी टाइम का जो है टाइम का बचत होगा, टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा ये। इसी प्रकार हम इसका यूज करते हैं। तो चलिए आगे हम जानेंगे कि हमें कैसे नंबर कैसे एंटर करने हैं। जैसे अगर मुझे बहुत सारे नंबर एंटर करने हैं, सीरियल वाइज सीरियल बनानी है, जैसे सपोज मैंने यहाँ पे 1 किया, यहाँ पे 2 किया। अब मैं ऐसे ही अगर मुझे बहुत सारे नंबर एंटर करने होंगे 100 एंड 200, तो मुझे बहुत टाइम लगेगा। अगर एक्सेल अगर हम जानते हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 एंड 2 टाइप किया और यहाँ पर गए, देखिए ये है ना, इस सेल में गए और यहाँ पर माउस से प्रेस किया और इसे नीचे की तरफ ड्रैग कर दिया। अब देखिए ये हमारे पास में ये ड्रैग करके हमने यहाँ पर ये बना दिया। अब यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल कॉर्नर पर ये पॉइंट है, यहाँ पर आप कर्सर ले जाएंगे और यहाँ पर फिर माउस से क्लिक कर देंगे और उसे क्लिक करके ही नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे। जितने नंबर्स हमें चाहिए उतने नंबर्स हम यहाँ पर ड्रैग कर देंगे। देखिए मैंने यहाँ तक ड्रैग कर दिया, देखिए 190 तक नंबर मैंने एक सेकंड में मैंने इसमें नोट कर दिए, यानी इंसर्ट करा दिए। वो कैसे, एक्सेल की मदद से। अगर हमें जो स्टेप बाय स्टेप जाना होता 1 2 3 करके तो बहुत सारा टाइम लगता मैनुअली, ऐसे ही हम इसमें टेबल भी लिख सकते हैं। अगर वैसे हिंदी में बोलते हैं पहाड़ा, लेकिन इसमें हम टेबल भी लिख पाते हैं इजीली। जैसे सपोज यहाँ पे मैंने डाला 3 एंड 6,
अगर मुझे पूरा ये 10 तक चाहिए तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पर माउस से क्लिक करूँगा, और माउस से क्लिक करके इसे नीचे की तरफ ड्रैग कर दूँगा। अब फिर मैं इस पॉइंट पर जाऊँगा, फिर माउस से क्लिक करके और नीचे की तरफ उसे ले जाऊँगा। और देखिए यहाँ पे मैंने 30 का टेबल इजीली मैंने नोट डाउन कर दिया, इंसर्ट करा दी वैल्यू। चलिए आगे हम जानेंगे कि कैसे हमें यहाँ पे ऐड करना है, मैथ के फॉर्मूलाज के बारे में जानेंगे। अब हमें दो वैल्यू है सपोज हमारे पास में, या बहुत सारी वैल्यू है, हमें उन्हें कैसे ऐड कराना है। जैसे मैंने यहाँ पे डाला 23, यहाँ पे डाला 23, या फिर मैंने डाला यहाँ पे 33। अब मुझे ये वैल्यू कैसे ऐड करानी है। देखिए सबसे पहले आप इजीली इसे कर सकते हैं इक्वल। अच्छा, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भी आप कोई भी फॉर्मूला यूज करेंगे एक्सेल में, तो सबसे पहले आपको इक्वल टू का साइन कर लगाना है, कोई भी फॉर्मूला एक्स वाई जी। अब आपने यहाँ पे कर्सर ले गए और आपने इक्वल टू का साइन ये प्रेस किया और हमें ऐड करानी है वैल्यू। तो हमने क्या किया, 23 + 33 कर दिया और एंटर कर दिया। तो देखिए हमारी वैल्यू ऐड हो गई। अब आगे हम जानेंगे, देखिए ये हमने 23 + 33 करके वैल्यू ऐड तो करा दी। अगर हमने इस वैल्यू में कोई एडिट किया, कोई भी चेंजेस किए, जैसे यहाँ 23 है, मैंने 29 कर दिया और एंटर कर दिया, तो देखिए ये जो वैल्यू है टोटल उसमें कोई चेंजेस नहीं हुए। क्यों? वो इसीलिए क्योंकि हमने सिर्फ वो वैल्यू यहाँ पे ऐड कराई थी, न कि वो सेल। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि जब भी हम कोई भी डेटा हम ऐड कराते हैं, कोई भी मैथ का फॉर्मूला यूज करते हैं, कुछ भी एक्स वाई जी, तो इक्वल टू का साइन लगाते हैं सबसे पहले, और उसके बाद में उस सेल का रेफरेंस देते हैं, जिससे हमें फायदा ये होगा कि हम जो भी कुछ भी बेनिफिट करेंगे, सॉरी एडिट करेंगे उस सेल में, और तो उसके रिजल्ट में भी चेंजेस नजर आएंगे हमें। तो आइए चलिए हम जानते हैं, जानने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे इक्वल टू का साइन लिया और मैंने ये वाली सेल का रेफरेंस लिया और ये प्लस किया और ये वाली सेल का रेफरेंस लिया और मैंने एंटर कर दिया। अब देखिए इसकी वैल्यू आई 62। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, चेंजेस कर दिए, यहाँ फॉर्मूला बार में गया और यहाँ पर मैंने 12 कर दिया और मैंने इसे एंटर कर दिया। तो देखिए ये 12 और 33 यहाँ पर चेंजेस हो गए, 45 लेकिन यहाँ पर चेंजेस नहीं हुए। यहाँ पर चेंजेस क्यों हुए, देखिए ये फॉर्मूला बार में आप देख सकते हैं इजली कि यहाँ पर मैंने E4 + F5 किया है। E4 कौन सा है, ये E कॉलम में ये फोर्थ रो है, F कॉलम में ये फोर्थ रो है। तो E4 + ये देखिए E4 + F4, इसलिए यहाँ पर ये सेल का रेफरेंस दिया मैंने और यहाँ पे हम कुछ भी चेंजेस करेंगे यहाँ पे और वो देखिए इजिली यहाँ पे चेंज हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 56 हो गया अगेन। तो इसलिए हमें जो भी कोई वैल्यू एंटर करानी है तो उससे पहले हमें उस सेल का रेफरेंस देना है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा आप। हम और अगर आप चाहें तो इसे दूसरी तरीके से भी ऐड कर सकते हैं। देखिए और भी इसके फॉर्मूला है, जैसे ये है, आपने फिर इक्वल टू का साइन किया, आपने SUM लिखा, SUM लिख करके यहाँ पर डबल क्लिक किया और ये नंबर लिया और इसे माउस से प्रेस करके इसे इस तरफ ड्रैग कर दिया और ड्रैग करके आपने एंटर कर दिया। देखिए यहाँ पे भी आपने इजीली इसे ऐड कर दिया। अगर आप यहाँ पे भी कुछ चेंजेस करते हैं तो वो वहाँ पे रिजल्ट में भी चेंजेस दिखाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने 2 की जगह मैंने कर दिया 20 कर दिया और मैंने इसे एंटर कर दिया, तो देखिए 20 + 34 या फिर 54 दिखा रहा है। तो आप इस तरीके से भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इसका एक शॉर्ट फॉर्मूला भी होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए शॉर्ट फॉर्मूला क्या है, जैसे 45 + 40 आपने कुछ भी लिखा और शॉर्ट में यहाँ पर गए, जैसे ये यहाँ से सेलेक्ट किया आपने और ये यानी Alt+ यानी बैक स्पेस के बगल में प्लस वाला साइन है, उसे क्लिक कर देंगे Alt+ वाला साइन, तो ये डायरेक्टली आपकी वैल्यू को ऐड करा देगा। शॉर्ट की है ये इसकी। तो
तो चलिए दोस्तों, आज के टॉपिक में हम इतना ही डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक में हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।